आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप मल्टीप्लाइड क्यों है, एडिटिव क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कई एमसीक्यूज में देख चुके होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में कैसा रिलेशन है। तो ऑप्शन आप कुछ ऐसे देखोगे, ठीक है, एंड थर्ड है हेरिडिटी, एंड इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन हम चलो नन ऑफ द अबव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन है मल्टीप्लाइड का, ना कि एडिटिव का। काफी सारे बच्चे इस पर टिक करके आते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है ना, वो एडिटिव है। लेकिन ये आंसर गलत है, इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है ये कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाइड है, ना कि एडिटिव और ना ही सब्ट्रैक्टिव। देखो सब्ट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिव का मतलब है इनका तो एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला सीन हो गया। अब देखो एडिटिव क्यों नहीं होगा और मल्टीप्लाइड क्यों होगा, इसके पीछे छोटा सा रीजन है और ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो जब भी हम कहीं पर दो प्रोसेस के बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि दोनों प्रोसेस साथ में मिलकर अफेक्ट करते हैं, साथ में मिलकर अफेक्ट करते हैं। वेयर एज अगर प्लस का निशान हो, एडिटिव का निशान हो, उसका मतलब होता है कि दोनों अलग अलग अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम मल्टीप्लाइड का निशान यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मिलकर, दोनों का इंटरैक्शन होता है और तभी बच्चे पर प्रभाव इसका पड़ता है ना। हम ये कभी नहीं कहते कि हेरिडिटी का ज्यादा है, एनवायरनमेंट का ज्यादा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन हेरिडिटी एंड ये जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों का इंटरैक्शन होता है और तब प्रभाव पड़ता है। मतलब दोनों ही फैक्टर साथ में मिलकर बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम एडिटिव की बात करते हैं ना, तो देखो प्लस के निशान में मतलब ये होता है कि हेरिडिटी अपना प्रभाव डालती है, एनवायरनमेंट अपना डालता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा है ना कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का इक्वली जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एंड दोनों का इंटरेक्शन किसका रिजल्ट होता है, बच्चे के डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है। सो इन दोनों के इंटरेक्शन से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सो यहां पर आप क्या समझे कि जहां पर मल्टीप्लाइड का निशान है ना, उसका मतलब ये समझ लेना, मतलब मैं यहां सिर्फ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर उस फैक्टर की बात कर रही हूं जहां पर मल्टीप्लाइड का निशान है, दैट मीन्स दोनों फैक्टर, दोनों प्रोसेस मिलकर अफेक्ट कर रहे हैं। एंड एडिटिव का मतलब होता है दोनों अलग अलग, यहां पे ये वाला फैक्टर अलग से प्रभाव डालेगा, ये अलग से, इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को एक दूसरे से मतलब नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने ये जाना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का साथ में इंटरेक्शन एंड देन बच्चे पर प्रभाव। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बताया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि प्लस का और मल्टीप्लाई का जो ये निशान है, ये सिंबल जो है, ये क्या कहलाता है ना। तो आई होप आपको ये जो छोटे छोटे मैं टॉपिक बीच में ला रही हूँ, आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो ना ऐसी ही मैं छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक बीच में लेके आऊँ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी है प्रियंका गौर 8। थैंक यू।